नमस्कार। नेशनल डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर हूँ। आज पंजाब में जो डेवलपमेंट हो रहा है, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और वो आरोप लगा रहे हैं अलग अलग मीडिया इंटरव्यू में कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको कि कांग्रेस का पंजाब प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ऐसा अमरिंदर सिंह आरोप लगाते हैं। और इसी के बारे में बात करने के लिए मैं टीकरी बॉर्डर पहुंचा हूं और मेरे साथ मौजूद है एक किसान नेता, बलदेव सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशनल डिफेंस में आपका। थैंक यू सर। अभी जो आरोप लगा रहे हैं अमरिंदर सिंह साहब कि सिद्धू साहब जो है वो राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, तो आप कैसे देखते हैं इससे? क्या अमरिंदर सिंह साहब का चीफ मिनिस्टर पद से हटना क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा? क्या किसान आंदोलन उससे कमज़ोर पड़ेगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पर मजबूती से उभरते हैं, जैसा कि अमरिंदर सिंह साहब आरोप लगा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं साहब? देखो, मैं बलदेव सिंह निहालगढ़, कुल हिंद किसान सभा जनरल सकत्तर पंजाब, जिहड़ा साडे राजसी घटनाक्रम पंजाब दे विच वापरे, वह इस पार्टी की पुरानी एक चली आ रही खिचोतान का नतीजा है, जिदे विच उस उन्हें मतलब कोई भी मतलब पिछले दिनों तो चलिया रहा है। ये जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने इन्हां दा साडे प्रति कोई हेज नहीं, किसान अंदोलन प्रति इन्हां दी गैर संजीदगी है। ये सिर्फ अपनियां कुर्सियां दे खातर एक ड्रामा है। इसलिए मोदी कैप्टन हट जाए, सिद्धू आ जाए या जाखर आ जाए, ये वैसे अंदोलन में कोई फर्क नहीं पैन लग्या। और अज लगता भी उन्हां दी दोबारा नवा मुख्यमंत्री बन जाना है। जे कोई बन जाता है तो साढ़े इस अंदोलन में कोई फर्क नहीं पैना। पर जेकर दूसरे पासे इस वक्त सेंटर की जिहड़ी सरकार है वो कोई भी चाल जिहड़ी है राज गवर्नर राही चल सकती है, जेकर इन्हां दे विच कोई त्रेड़ आउंदी है, फिर जे राजनीतिक स्थिरता साढ़े पंजाब दे विच हुंदी है तां उहदा असर जरूर साढ़े अंदोलन ते पै सकदा है। फिलहाल सरकार दा चेहरा बदलन नाल साढ़े ते जिहड़ा कोई असर नहीं पएगा। और जिथे तक कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दोष ने, वो महज एक दूजे नूं नीवां दिखाउण वास्ते ने। असी नहीं समझते कि सिद्धू दे आउण नाल जां उहदी अगवाई करन नाल पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा देश दी एकता नूं, देश दी सुरक्षा नूं कोई खतरा होगा, असी ऐसा महसूस नहीं कर रहे। सो अगली गल जिहड़ी है वह ये है कि पिछले समय दे विच सरकार दीआं नाकामियां रहीआं ने, कैप्टन सरकार दीआं, कांग्रेस पार्टी दीआं, कांग्रेस हाई कमांड दीआं। जेकर अजिहा लगदा सी वी कैप्टन एक वधिया प्रभावी जिहड़ा मुख्यमंत्री दा रोल नहीं लवा रहे, लोकां दीआं मंगां वल ध्यान नहीं दे रहे, और जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो जारी कीता होया है उहनूं लागू नहीं कराया, इनोवेल लागू नहीं करवा रहे, तां सरकार चाहीदा सी हाई कमांड नूं पहलां तों ही ये लॉबिंग करके उन्हों परे कर दिता जाता, तो समा रहिंदा लोकां दे जिहड़े कम ते जो चोण वादे किए गए सन वो पूरे किए जाते। पर अजिहा सरकार की ना नीयत है ना कुछ हो सकता है। हुण जिहड़ा 100 दिन बाकी है कम का सिर्फ, क्योंकि भावें 6 महीने सारे प्रोसैस तो बाद सरकार नवी आनी है, पर जिहड़ा कम दे दिन ने वो सिर्फ 100 ने। 100 दिन च नवा मुख्यमंत्री की कर लेगा ये उन्हां नूं भी पता है, सानू भी पता है कि इस समय दे विच कुछ नहीं किया जा सकता सिर्फ चोण लारियां तो बिना। इसलिए ये सरकारां जिहड़ियां इस पार्टियां ने ये कुर्सी की खातर सारियां लड़ाइयां लड़दियां ने, इस करके इन्हां नूं असीं ठीक नहीं समझते। इन्हां ने पिछले समय दे विच जिहड़ा हैगा चिट्टे नूं बंद करन दा जिहड़ा ड्रग माफिया है उहते कोई कंट्रोल नहीं किया, जिहड़ा गुटका साहब की सहुं चुक के कहा सी मैं 4 हफ्तों दे विच जिहड़ा हैगा इहनूं खत्म कर दूंगा चिट्टे नूं, अजिही कोई गल नहीं वापरी। और ना इत्थे केवल नैटवर्क है जिहड़ा वह माफिया के चुंगल चों निकलिया, ना रेता बाजरी जिहड़ा एक बहुत बड़ा आमदन का जरिया बन सकता है पंजाब का, उहनूं किसे तरह उहदे ते कोई कंट्रोल किया गया, उहदी वड्डी पद्धर ते लुट होई है। उही लटेरे जिहड़े पहलां अकाली सरकार वेले लुटते रहे ने उन्होंने ही हुण हिस्से पत्ती है जिहड़ी कांग्रसियां नूं देनी शुरू कर दित्ती है। और पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा इंस्पैक्टरी राज रहा, इत्थे जिहड़े MLA ते वजीर अपनियां तिजोरियां भरन ते लगे रहे ने, लोकां दीआं समस्यां वल किसी ने ध्यान नहीं दिता। इत्थे जिहड़े MLA ने वह करप्ट हो चुके ने, उन्होंने 2 नंबर च शराबां बकाईआं ने, 2 नंबर च रेता बजरी बकाया, इत्थे दी ट्रांसपोर्ट है जिहड़ी वह 2 नंबर चल रही है, और होर किन्ने मसले ने। और जिहड़े साडे ठेके थाने DSP दी पोस्ट, SDM दी पोस्ट, होर छोटियां पोस्टां ने जिहड़ियां वह सारिया नीलाम हुंदियां ने, उत्थे दा जिहड़ा आगू हुंदा MLA होवे जां मंत्री होवे
उन्होंने राही होंदिया ने एक बड़ी करप्शन उन्होंने राही वो करते हैं इस करके जी अफसर साहब तो जोड़े हुक्मरान पैसे लेंदे हो आस रखी जा सकती है कि वह लोगों का भला करे लोग तो बिल्कुल नाराज हो चुके हैं इसलिए उस गल बचाने वास्ते आपो जोड़ा पछाड़ पा रहे हैं साढ़े अंदोलन से कोई असर नहीं पाएगा साडा अंदोलन है जोड़ा बुलंदियों अगे बढ़ रहा और केंद्र सरकार के हर जोड़ा जोड़ा कोई साढ़े तो मोड़वा जवाब है वह मोड़वा जवाब दे के असी अगे बढ़ रहे सरकार बैकफुटते हैं और सानू उम्मीद है कि यूपी मिशन तो पहला यूपी इलेक्शन तो पहला पंजाब की इलेक्शन तो पहला उत्तराखंड की इलेक्शन तो पहला जोड़ा हैगा ये सरकार को गोडे टेकने पैणगे और साढ़े तिने कानून ने जोड़े वापस लेने पैणगे और MSP से नवा जोड़ा कानून बनाना पड़ेगा। बलदेव सिंह निहालगढ़ साहब ये बताइए मुझे कि कैप्टन अमरिंदर साहब ने त्यागपत्र दिया उससे पहले उन्होंने कहा कि किसानों को पंजाब में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए बल्कि उनको दिल्ली में जाके प्रदर्शन करना चाहिए हरियाणा में प्रदर्शन करना चाहिए ये आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने क्यों कहा और उसके कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री पद से हट गए इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो कैप्टन होवे चाहे मोदी होवे एक कारपोरेट घराणियां दे चट्टे वट्टे ने ये उन्हां बिना इन्हां दी सरकार ना केंद्र दी चलती है ना राज सरकार चलती है किते ना किते जिहड़ा कैप्टन दा मरूदी मोदी प्रति हेज है और जिहड़ा पंजाब दे विच उन्होंने टोल प्लाजां दी गल कीती है रिलायंस पंपां दी गल कीती है मॉल्स दी गल कीती है वो जिहड़ी सारी गल कीती है ओदे नाल पंजाब दी आर्थिकता नूं कोई नुकसान नहीं हो रहा वो सारे लगभग सारे प्लाजे ने जिहड़े वो कारपोरेट हाउसों के कोल ने इसलिए उन्होंने नुकसान होया साडे पंजाब नूं उहदा कोई नुकसान नहीं होया जिथे तक माल बंद करन दी गल है माल बंद होण नाल जिहड़ा हैगा दुकानदारां दा कम चलिया जिहड़े गरीब रोजी रोटी कमाण वाले लोग ने इसलिए वो माल बंद होण नाल उन्हां दा रुजगार चलिया पंजाब दा किते नहीं चलिया। कैप्टन साहब जेकर पंजाब दे विच कोई आर्थिकता नूं वड्डी ढाल आ रहा है वो सब तो वध जिम्मेवार तुसीं हो जिन्होंने बदनाम बिजली समझौते रद्द नहीं किया जिन्होंने रेता बजरी दे हुंदी तस्करी नूं नहीं रोकिया अपने लोगों तो करवा के अपनियां तिजौरियां भरियां ने और ठेके जिहड़े शराब दे ने उन्हां नूं पारदर्शी ढंग नाल नहीं दिता गया उन्हां नूं अपने चहेतियां नूं दे के जिहड़ी कमाई पब्लिक दे हिस्से आउणी सी ओह थोड़े चाटड़ियां चेलियां दे हिस्से चली गई है ओह पंजाब नूं नुकसान होया है और चिट्टे दा जिहड़ा इत्थे व्यापार चिट्टा विक रहा है उन्हूं तुसीं समें सिर हटा नहीं सके उहदे नाल साडी जवानी साडी किसानी बर्बाद होई है और साडा देश है जिहड़ा साडा पंजाब है जिहड़ा आउण वाले समें विच गिरफ्त नशियां दी गिरफ्त चों बाहर नहीं निकल कढ सके तुसीं इहदा वड्डा नुकसान तुसीं कीता है। सो इन्हां गल्लां दे नाल मैं कहना कि जिहड़ी कैप्टन सरकार है और लगातार जिहड़ी हैगी है जिहड़ी अपने वादियां तों मुक रही है और साडा इसे करके अंदोलन चल रहा है मोदी दे खिलाफ कैप्टन दे। मेरे साथ अभी एक और साथी मौजूद है किसान भाई करण सिंह क्या नाम है आपका? करण सिंह जसकरण सिंह जी आप कौन सी कुलहिंद सभा से आप भी? नहीं हाँ हम विकेजू लखुआ। आप मुझे बताइए कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है वो कहते हैं कि फजिलका से लेके पठानकोट तक की जो सीमा है नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है क्योंकि वो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनका इशारा इमरान खान की तरफ है उनके वो बहुत नज़दीक है भाजपा के बहुत नज़दीक है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जप्पी की बात करते हैं वो जो जप्पी थी उन्होंने पंजाब पाकिस्तान में जाके तो आप किस तरह से देखते हैं अभी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम डिफेंस टीवी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी बात सुनने आए। जो ये बात कह रहे हैं आप ये ऐसा बिल्कुल नहीं है ये अपनी राजसी रोटियों को सेकने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ऐसा कोई खतरा नहीं है और चाहे सिद्धू आ जाए चाहे भाजपा आ जाए चाहे वो जाखड़ साहब आ जाए इसके साथ
जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसान संघर्ष को कोई फर्क पड़ना इससे। ये सबसे बड़ा अपना जो राजनीतिक पत्ता खेल रहे हैं, जो समय आने पर हर बार जब चोन का टाइम होता है ये ऐसा हर बार करते हैं, कोई इस बार नया नहीं किया इन्होंने। ये हर बार यही के सोचते रहते हैं कि इन लोगों को कैसे बुद्धू बनाया जाए और इनके साथ कैसे खेला जाए। ये लोग हमें एक कीड़े मकौड़े की तरह समझ लेते हैं। ये अपना वोटर जो सबसे बड़ा इस देश का लिए जो इकाई है वोटर, जिस जो देश के एक नलदा लोकतंत्र का एक सबसे अहम हिस्सा है, वोटर की यहाँ कोई बुक्कत नहीं है। ये सिर्फ समय आने पर उसको प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद उसके लिए कोई कानून नहीं बनाते, उनके सुरक्षा के लिए उनके नए कोई उदाहरण के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए ये काम करते हैं, जनता के लिए अपने वोटरों के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करते। आने वाले समय में अब लोग जाग चुके हैं, अब राजनीतिक लोगों को ये जो संघर्ष है आने वाले समय में समाज में नई तब्दीली लाएगा और लोकतंत्र जो बिक रहा था, यहाँ का जो भारत के लोकतंत्र को खतरा हो गया था, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये संघर्ष एक अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ लोकतंत्र की जय डिक्टेटरशिप होने वाला था, उसको रोकने का ये सबसे बड़ा काम ये संघर्ष करेगा। इस संघर्ष के बाद समाज में बदलाव आएगा और ये जो कुछ चंद पूंजीपतियों को ये देश संभालना चाहते हैं उसका अब ये देश की जनता समझ चुकी है, उसका विरोध करती है और सही मायने में लोकतंत्र तरीके से यहाँ सरकार चलनी चाहिए, जो लोगों की भलाई के लिए काम करे और लोगों के भले के लिए कानून लाए, ना के उनके विरोध में कानून लाए। तो अब इससे किसान आंदोलन कमजोर होने की संभावना दिखती है आपको? क्या मोदी सरकार अब कानून वापस लेगी या और मजबूत हो जाएगी? अपने जो इरादे हैं उनके कि कानून वापस नहीं ले रहे हैं तो वो वापस नहीं लेंगे, अब क्या आपको लगता है? हाँ, जो हमारा सोचना है कि आने वाला जो 5 स्टेटों का ये विधानसभा का आ रहा है इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले इसको इस संघर्ष के आगे अपना गोडे टेकने पड़ेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है जैसे पहले पश्चिमी बंगाल में हुआ वही हाल उनका इन 5 स्टेटों में होगा। अगर उन्होंने ये संघर्ष का कोई समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में ये संघर्ष उग्र रूप धारण करेगा और अपनी बात मनवाने के लिए संयुक्त मोर्चा जो भी काल देगा उसको हम पंजाब और देश के कोने कोने हर घर में पहुंचाएंगे उस काल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुंच के अपनी बात मनवाएंगे इनसे। तो आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पद के इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा कि किसानों को पंजाब में आंदोलन नहीं करना चाहिए बल्कि दिल्ली और हरियाणा में जाके आंदोलन करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि वो किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब अपनी जो राजनीतिक चालें चलते हैं, जो भी अब भी किसानों के साथ खड़ने का जो ड्रामा कर रहे हैं, चाहे वो अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो सिर्फ उनका जो ध्यान है सिर्फ अपनी इलेक्शन की तरफ है, वो इलेक्शन में अपना लेने के लिए ये इनको जूझ करना चाहते हैं। लेकिन किसान अब जाग चुका है, ये उनके झंसे में नहीं आएगा, वो आने वाले समय में ऐसे लोगों को आगे लाएगा जो इस देश के भले के लिए और समाज के भले के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कुछ किसान लीडर्स जो टिकरी बॉर्डर पर हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह हो चाहे कोई भी हो, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसा किसान नेताओं का आरोप है यहाँ पर। तो जो भी आवाज़ जो थी किसानों की, मैंने आपके सामने उनके जो मत थे, उनका जो व्यू पॉइंट है वो रखा है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो डेवलपमेंट हो रहा है, सभी लोग ये सोच रहे थे कि किसानों के आंदोलन पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो आपने किसानों की आवाज़ सुनी है, उनका विचार जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन पर इसके बाद क्या असर पड़ेगा और किस दिशा में ये किसान आंदोलन जाएगा। एक छोटी सी झलक आपको मैंने नेशनल डिफेंस में दिखाने की कोशिश की है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल डिफेंस को आपने देखा, सराहा, आप से गुजारिश है कि आप इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह से अपना प्यार नेशनल डिफेंस पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। असं कहने भी यह कानून 10 महीने हो गए सानू, यह कानून वापस लवे, 3 कानून रद्द करे, असी आपका पिंड वापस चले जाइए, क्योंकि मोदी ने बहुत पंजाब हरियाणा भारत सारा देश दिल्ली में टिकरी बार्डर संघू बार्डर पकौड़ा चौंक में बैठे ने लोग, 10 महीने हो गए कानून काले कानून रद्द करे ने मोदी, असी उन्हें चक्कर नहीं जावांगे, दिल्ली जित के जावांगे, असी आपका हक लेके जावांगे। इसे धन्यवाद, वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।